हेलो नमस्कार। देखिए, साउथ की मूवीज़ बॉक्स ऑफिस में बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन कर रही है, बॉक्स ऑफिस में सक्सेसफुल हो रही है। मैं सिर्फ साउथ मार्केट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया की। मूवीज़ हिंदी मार्केट में ज़बरदस्त कलेक्शन कर रही है, चाहे फिर वो बड़े स्टार की मूवी हो, बड़े डायरेक्टर की मूवी हो, या फिर किसी नए एक्टर की मूवी हो। अगर स्टोरी अच्छी है, डायरेक्शन अच्छी है, एक्टिंग अच्छी है, तो लोग मूवी को भरपूर प्यार दे रहे हैं। आपको पता ही होगा कि 2022 में तो एक से बड़ी एक मूवी रिलीज हुई, चाहे फिर हम KGF की बात करें, RRR की बात करें, पुष्पा की बात करें, या फिर लेटेस्ट मूवी कांतारा की बात करें। अभी हाल ही में अवार्ड्स भी मिले हैं, जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि बेस्ट इंटरवल ब्लॉक बस्टर ऑफ 2022 गोज़ टू RRR। जैसा कि आप सभी को पता है कि RRR मूवी का जो इंटरवल सीन था वो कमाल का था, वो बेहतरीन था, उसी के लिए उन्हें बेस्ट अवार्ड मिला है। और अगर हम बात करें तो क्लाइमैक्स की, अगर हम बात करें तो कांतारा मूवी का क्लाइमैक्स जो है कांतारा का ज़बरदस्त था, इसलिए इसे बेस्ट क्लाइमैक्स ऑफ 2022 का अवार्ड मिला है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें ना, तो कांतारा मूवी बॉक्स ऑफिस में भी छाई हुई है। इस मूवी को लेकर के ऑडियंस का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। आज मैं आपसे बात करूंगा कि मूवी ने तेलुगु मार्केट में कितना कलेक्शन किया है, हिंदी मार्केट में कितना कलेक्शन किया है, और क्या क्या मूवीज़ ने रिकॉर्ड्स बनाए हैं। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। कांतारा मूवी हिंदी में तो कमाल कर रही है। जी हाँ, वीक 1 वीक 2 मूवी ने वीक 1 में कलेक्शन किया था 15 करोड़ का, और वीक 2 में कलेक्शन किया 16 करोड़ 70 लाख का, यानी कि वीक 1 से बेहतरीन परफॉर्म किया है वीक 2 में। अगर हम डे 15 की बात करें तो मूवी ने 2 करोड़ 75 लाख का कलेक्शन किया, डे 16 4 करोड़ 10 लाख का कलेक्शन किया, और डे 17 4 करोड़ 40 लाख, यानी कि मूवी ने अपने फर्स्ट 17 डेज में 42 करोड़ 95 लाख का कलेक्शन हिंदी में कम्प्लीट कर लिया है। और यही एक बताता है कि किस तरह से मूवी ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है, और हिंदी मार्केट में तो लोगों को ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। मैं आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सबसे ज़्यादा बड़ी मूवीज़ जो कि 16th डे में जिन्होंने बड़ा कलेक्शन किया है, उसमें बाहुबली नंबर 1 पे है। बाहुबली मूवी ने अपने 16th डे में जो है 3 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन किया था, RR मूवी ने 3 करोड़ 10 लाख का, और F2 मूवी ने 2 करोड़ 56 लाख का। वहीं पुष्पा मूवी 2 करोड़ 23 लाख, सर लेरू निकेवारू 2 करोड़ 7 लाख, और कांतारा मूवी अपनी पोजीशन बना चुकी है, और इस मूवी ने 1 करोड़ 88 लाख का कलेक्शन किया था। ये मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की। तो कांतारा मूवी 16th डे में मूवी ने अच्छा परफॉर्म किया, 17th डे मूवी ने हिंदी में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें तो 16th डे में मूवी ने 1 करोड़ 88 लाख का कलेक्शन किया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का मूवी का टोटल कलेक्शन हो चुका है 20 करोड़ 94 लाख। लगभग आप कह सकते हैं कि मूवी ने 21 करोड़ का कलेक्शन कर ही लिया है। 38 करोड़ का मूवी ने ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है, और मैं आपको बता दूँ कि मूवी प्रॉफिट में भी है। मूवी का जो ब्रेक इवन टारगेट था वो था 2 करोड़ 30 लाख। मूवी वो आंकड़ा क्रॉस बहुत पहले ही कर चुकी है, और अब मूवी जो है प्रॉफिट में जा चुकी है, और मूवी ने 18 करोड़ 64 लाख का तेलुगु से, यानी कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से प्रॉफिट भी कमा लिया है। यानी कि ये मूवी ब्लॉकबस्टर ऑलरेडी हो चुकी है। और मैं आपको बता दूँ कि हिंदी में आज के दिन मूवी का क्रेज़ अच्छा है, और मूवी 18th डे में भी लगभग जो है 2 करोड़ का कलेक्शन ईजिली कर जाएगी, और मूवी का टोटल कलेक्शन जो है वो लगभग 45 करोड़ के आसपास हो जाएगा अपने फर्स्ट 18 डेज में। वेल, कांतारा मूवी के बारे में आपको क्या है कहना, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।